स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन काफी बच्चों ने डिमांड किया क्योंकि लास्ट टाइम आपका भी दस दिन पहले मैंने केमिस्ट्री का पेपर डाला था वो हु सेम टू सेम ही आ गया तो आपको देखना है तो इस पेपर को आराम से देख सकते हैं इसमें कंप्लीट सोल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे अगर आपने केमिस्ट्री का पेपर पढ़ लिया होगा तो आपका अच्छा पेपर गया होगा मुझे विश्वास है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस करेंगे चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो वन वर्ड हो या फिर आपके सिक्स मार्क्स हो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम सेक्शन डी तक के सारे क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं एंड तक तो चलिए फटाफट इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं आपके पास समय बहुत कम है आपका नेक्स्ट डे इसका एग्जाम है तो इसको आप तैयार करिए और बेहतरीन तरीके से एक बार जरूर देख लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा आया था और इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते थे पहला क्वेश्चन जो है हाउ मेनी मिओटिक एंड मिटियोटिक डिविजन अकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल जेमोटाइफ फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल मैं आपको आंसर तो बता ही रहा हूं लेकिन आप खुद भी प्रिडिक्ट करें कि इसका आंसर क्या होगा क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम तैयारी कर ली होगी तो आपको इस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा तो यहाँ पे आपको जेमोटोफाइट जो है बताना है माइक्रोपोर मदर सेल का तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट वन मेोटिक एन ए टू मिटियोटिक तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट right आंसर हो जाएगा अगर आपने एज्यूम किया था तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर टू को डिस्कस करते हैं और उसके आंसर्स को देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू जो आपका एमसीक्यू है यहां बोला गया है ड्यूरिंग रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए देंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉलिंग बाई यूजिंग तो किसको यूज करते हैं बाई यूजिंग सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे भी आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, अब इस को देखने के बाद में, जो है इसके आंसर को आपको क्लियरिफाई करना है विच इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई द अव डायग्राम रिलेटेड टू द क्रोमोजोमल एब्रेशन तो इस डायग्राम से जो है कौन सा इवेंट जो है यहाँ पर शो किया गया है आपको बताना है तो यहां पर आप देख सकते हैं इससे जो है आप इस डायग्राम को अगर आपने देखा स्टडी किया है तो ये आपको इनवर्जन दिखा रहा है ठीक है तो यहां पर जो है सी ऑप्शन इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं यहां देखिए एस हारमोन रिस्पॉन्सिबल फ्लक्स ऑफ के प्लस आयन फ्रॉम गार्ड सेल एंड एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट तो वो कौन सा होगा आपका हार्मोन ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा एबसिसिस एसिड तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा आपका एसिस एसिड हार्मोन जो है ना यहां पर इसका आंसर हो जाएगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां देखिए पूछा गया टेस्ट तो ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड तो टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को क्या कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होता है नेक्स्ट जो सिक्स क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करते हैं वाइल प्लेइंग क्रिकेट राजू फेसेस प्रॉब्लम ऑफ पेन एंड हैवीनेस इन द चेस्ट पेन स्प्रेड फ्रॉम नेक लोअर जॉ लेफ्ट आर्म एंड टू लेफ्ट शोल्डर फ्रॉम द अब सिम्टम्स आइडेंटिफाई द डिजीज तो ये सिम्टम किसका है आपको अच्छी तरह से पता है कि इस सिस्टम इस सिम्टम में क्या होता है इसमें चेस्ट पेन सबसे ज्यादा कॉज हो जाता है और धीरे धीरे वो स्प्रेड हो जाता है ड्यू टू द रिड्यूज फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट है ना इसका रीजन क्या होता है आपका रिड्यूज ब्लड फ्लो टू द हार्ट इसी का रीजन की वजह से ये होता है और इसका नाम क्या होगा तो इसको बोलते हैं हम एंजीना पैक्ट्रोइ तो यहां पर जो है आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होता है आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे और इस सेवेंथ नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डेस लेयर इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ सी एन एस इन ह्यूमन बींग तो कौन सा लेयर है वो पूछ रहा है आपसे आंसर बताना है उस लेयर का नाम तो यहां पर जो है वो कौन सा लेयर हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका ड्यूरा मैटर तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होता है इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एट्थ नंबर इसमें जो पूछा गया है सेलुलर फैक्टर्स इन इनेट यूमिनिटी इज प्रोवाइडेड बाय तो ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है

इसके बाद आते हैं हम आपके जो वन वर्ड आंसर्स जो देने होते हैं या शॉर्ट टाइप्स आंसर देने होते हैं उस क्वेश्चंस के तो यहाँ पर जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया नेम द पार्ट ऑफ द अब आपको यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस का आंसर दिए है मैं केवल आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से नोट करिए क्योंकि ये इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है आपको याद करना है तो आप इसको याद करिए मैं आपको सारे आंसर्स दे रहा हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर मैंने इसको नोट आउट कर रखा है आप इसको यहाँ से देखेंगे ठीक है सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं आपको इसी के जस्ट नीचे लिखा गया है जो कि आप ये देख रहे हैं ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देन अगेन जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर उसी के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से नोट आउट करें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसके नीचे ऊपर मिल रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर फिफ्थ नंबर का आंसर आप ये वाला जो रेड कलर में लिखा गया है इसको नोट करें अगेन जो है आपका सिक्स क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है तो सेल कौन सा हो जाएगा सेल ऑफ रॉबर हो जाएगा तो आपका इसका ये आंसर हो जाएगा और जो है यहाँ पर सेवन क्वेश्चन में एक आपको चार्ट दिया गया इस चार्ट को बताना है कि किस टाइप का ये जो है डायग्राम आइडेंटिफाई करना है तो ये डायग्राम अगर आपने देख लिया है आप सभी के पास क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ शो कर रहा है अगर आप एक्सोपेंश एक्सोपेंशियल ग्राफ भी लिख देते हैं तो भी आपका सही हो जाएगा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर जो है आपको बताना है पाइनियर स्पीसीज क्या होती हैं तो इसका आंसर भी मैंने नीचे दे दिया है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और जो सेक्शन बी के क्वेश्चन हैं जो सिक्सटीन मार्क्स का आता है इसमें आपको ए डायग्राम दिया गया था बाद में यही बताऊंगा इधर लेफ्ट और राइट right में क्या लिखा है पहले आप बीच वाला डायग्राम देखिए जिसमें ए बी सी डी पार्ट को मेंशन किया गया है और इसके आपको नाम बताने थे यहाँ पर दिया गया आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो इन सभी के नाम जो मैंने ए बी सी डी डाल के लिखा हुआ है ये रहा इसका आंसर ठीक है ईजी पेपर था और बहुत अच्छा पेपर था ये आपका इसमें जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका ये रहा फोर्थ नंबर और इस फोर्थ नंबर में जो है आपको सिम्टम्स भी बताने हैं ठीक है थीके? और किसके किसके रीजन से जो है ये होता है ये बताना है तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये आंसर आप फोर्थ नंबर का नोट करेंगे ये आंसर है आपका फोर्थ नंबर का कंप्लीट आंसर मैंने दिया हुआ है आप इसमें से जितना चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं मैंने कंप्लीट आंसर दिया है आप इसमें अगर आपके नंबर के हिसाब से अगर टू मार्क्स का है तो उसके हिसाब से लिखें फोर मार्क्स का है तो उसके हिसाब से क्योंकि ये नंबर आपका क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है किसी भी सेक्शन में जा सकता है अभी जैसे आपने सेक्शन बी में देखा मे भी हो सकता है कि ये सेक्शन ए में भी पूछ ले आपसे जनरली क्या है शॉर्ट टाइप में पूछ ले तो आपको सिम्टम्स पता हो सकता है बोल दे कि आपको टू सिम्टम्स बताइए तो इस तरह के आपके क्वेश्चन घुमाए जाते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फिफ्थ का जो क्वेश्चन है आपका इस फो फिफ्थ क्वेश्चन का जो है आपको बताना है एम्स क्या है तो एम्स मैंने यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन के एम्स बहुत सारे लिख दिए हैं अब इसमें से जरूरी नहीं कि आप सारे एम्स लिखें लेकिन आपको जितने आवश्यक हैं उनको पढ़े मैं कहूँगा हमेशा बायोलॉजी आप अगर आपने ले रखी है तो आपको तो पूरा ज्ञान होना ही चाहिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी आप जा करके अभी ऑपरेट करेंगे इन फ्यूचर तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप इसमें से एक भी छोड़ेंगे तो आपका ही नुकसान है तो आपको एग्जाम की दृष्टि से नहीं आने वाले फ्यूचर की दृष्टि से ऑब्वियस सी बात है आपने बायोलॉजी ली है तो आप मेडिकल साइंसेज में ही जाएंगे और वहाँ पर आपको बॉडी ही ऑपरेट करनी है ह्यूमन नेचर ऑपरेट करना है उसके सिम्टम्स ऑपरेट करने हैं डिजीज ऑपरेट करने हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए आगे बात करते हैं आपको सिक्स क्वेश्चन की बात यहाँ पर जो है आपको मैच करना है कॉलम को तो कॉलम जो मैच करना है जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर मेरे को भेजा है आप भी अपना क्वेश्चन पेपर कोई भी आपके जो पेपर्स हो सकते हैं इंग्लिश का आपने दे दिया है आपने हिंदी में भी दिया हो क्योंकि सब नहीं देते हैं और इंग्लिश हो गया आपका फिजिक्स आपने अभी, अभी अभी दिया है और जो केमिस्ट्री दिया है उन सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए जो 2023 के हैं आप उनको सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ पे ए सेक्स आपका जो कॉलम हुआ फर्स्ट और सेकंड है इस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट मैच किया है जो यहाँ पे देख रहे है, इसने पेंसिल लिखा और बिल्कुल करेक्ट मैंने देखा इस क्वेश्चन को मैच करके ये बिल्कुल सही है ए का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा पी का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट right ऑप्शन है देन सी का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है एंड लास्ट बचा आपका डी और डी का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है तो ये इसका राइट right आंसर है जो उसको हमको मैच करना था अगेन जो है आपका सेवंथ क्वेश्चन जिसमें आपको एनलिस्ट करना है कैरेक्टरिस्टिक्स तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूं लिखित रूप से ताकि आप इसको नोट कर पाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट करिए मैं आपको इसका आंसर शो कर देता हूं कि यहाँ पे पेपर में ज्यादा स्पेस नहीं था तो मैंने बहुत आपका जो है इसका आंसर को लिखने के लिए अलग पेज यूज किया है तो उस पेज से आप इसके आंसर को नोट करें यह है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की फिर उसके आंसर को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर एट है जिसमें आपको इन इन सभी को डिफाइन करना है तो इन चारों को मैं डिफाइन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको डिफाइन करना है सिंपलेस्ट वर्ड में लिखेंगे और कम से कम चीज़ें लिखने का प्रयास करेंगे तो चलिए हम इसको इसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं या फिर आप कहें कि इसको नोट करिए इसके आंसर को क्वेश्चन नंबर एट एक ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट और डी पार्ट इन चारों पार्ट्स को मैंने यहाँ पे आंसर दिया है तो इन चारों पार्ट्स को आप नोट कर सकते हैं इसके बाद आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर नाइन पे जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर नाइन को देखने के बाद में उसके आंसर्स को देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहे आपको गिव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आपको बतानी है तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके आंसर्स को देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को यहाँ से आप नोट डाउन करें ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो वाटर के लिए आपको लिखनी होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन डिस्कस करते हैं उसमें क्या आंसर बनेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है पर्सन मेड विद ए स्मॉल एक्सीडेंट एंड ब्लीड्स बट वेरी सोन स्टॉप ब्लीडिंग एक्सप्लेन द इज लॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस तो ये आपको बताना है उसके बाद हम इलेवंथ नंबर के क्वेश्चन में कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करेंगे तो टेंथ का आंसर को नोट करिए आप क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर आपका ये हो जाएगा इसके बाद आते हैं हम इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन पे जिसको हम मैच करेंगे और मैचिंग्स देखेंगे उसके तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर इलेवन है इसमें आपको ए बी सी डी इन सभी को मैच करना है वन टू थ्री फोर से कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से तो ए पार्ट जो है इसका राइट मैचिंग ऑप्शन जो होगा वो आपका इसमें थर्ड ऑप्शन से मैच हो जाएगा ठीक है देन अगेन अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी का राइट मैचिंग ऑप्शन है फोर्थ पार्ट इसके बाद अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन का राइट मैचिंग ऑप्शन है फर्स्ट पार्ट और लास्ट बचा जो आपका सेकंड पार्ट से मैच हो ही जाएगा तो यहां पर ये आपका आंसर इस तरह से कंप्लीट होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ट्वेल्थ नंबर तो ट्वेल्थ नंबर में आपसे क्या पूछा गया है ये देखिए एसबिस एसिड इज द कॉमन नेम अच्छा कॉमन नेम बताना है आपको गिवेन टू टू आइडेंटिकल सब्सटेंसेस आइसोलेटेड सेपरेटली नेम गिव द केमिकल फीचर्स ऑफ द दसिक एसिड तो इसको हम मोलिकोर फॉर्मूला दे, दे देंगे ठीक है इसका मोलर मास दे, दे देंगे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट फ्लैश पॉइंट वेपर प्रेशर और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे देंगे तो ये सारे की चीज़ें इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में शामिल हो जाएंगी केमिकल फ़ीचर्स में शामिल हो जाएंगी ठीक है तो ट्वेल्थ के आंसर को आप नोट कर लीजिए मैं आपको शो कर देता हूँ और आपको अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आता है तो आपको इसी तरह से इसका आंसर्स को देने होंगे तो यहाँ पर जो जो हम आंसर्स दे रहे हैं इसी प्रकार अगर आप आंसर लिखते हैं इस वे में आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर मान्य भी होगा और पूरे नंबर भी मिलते हैं ये क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ का आंसर जो है आपको इस तरह से चार्ट बना के दोगे तो बेहतरीन रहेगा और आपकी समझ से भी अच्छा रहेगा कि ये भाई मोलर मास इसका ये है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और फ्लैश पॉइंट वेपर प्रेशर ये सब चीजें आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में उसको बतानी होगी तो ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा आते हैं हम थर्टीन नंबर क्वेश्चन की तरफ जिसको हम डिस्कस करेंगे और अगेन उसके आंसर्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आप देख लीजिए दो क्वेश्चन जो हैं थर्टीन नंबर और फोर्टीन नंबर इन दोनों के आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे देन हम पढ़ेंगे सेक्शन सी के आंसर्स पे थर्टीन क्वेश्चन में आपको जो है बायोटेक्नोलॉजी का रिलेशन बताना है ह्यूमन हेल्थ से और शो करने हैं आपको क्या क्या एडेपन्स यानी कि अनुकूलता वो अपनाते हैं डेजर्ट एनिमल्स ठीक है animals, तो यहाँ पर हमको दोनों ही आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना बन पाए और आपका समय बचे चलिए इसके दोनों के आंसर थर्टीन नंबर क्वेश्चन और फोर्टीन नंबर क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं तो ये इफेक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ पे पड़ेगा जिसको हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है तो थर्टीन क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा जो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट आपको बताना है क्वेश्चन के आंसर में अगेन जो फोर्टीन क्वेश्चन है जिसमें हमें एडेप्टशनस बताने हैं डेजर्ट एनिमल्स के उसके भी आंसर्स को हम देख लेते हैं और उसको भी आप नोट डाउन करें पहले थर्टीन नंबर को आपने देख लिया अब फोर्टीन नंबर को देखिए

मेलानिज्म से और डिस्क्राइब करना है आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स तो ये 15 नंबर और 16 नंबर दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं नेचुरल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से लिख देंगे ठीक है ये आप आंसर नोट कर लें इसके बाद हम 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं 16 नंबर में हमें जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आपको जो है प्लांट हार्मोन का जो है देना है तो उसको हम दे देते हैं और उसका आंसर उसको नोट करिए आप क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का आंसर आप यहाँ से नोट कर लीजिए इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो आपका सेवनटीन नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे और फिर आंसर उसके भी डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा सेवनटीन नंबर व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन बताना है आपको और इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर बताने हैं पाइनर स्पेसिस ठीक है और विद द हेल्प ऑफ द ऑफ ए नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर तो सेवनटीन और एटीन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फिर नाइनटीन नंबर के हम टेबल को डिस्कस करने वाले हैं तो पहले हम सेवनटीन और एटीन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेसन का हम जो है यहाँ पर आपका आंसर देते हैं और उसमें डेफिनेशन भी बता देंगे ठीक है तो सेवनटीन नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ से नोट कर लीजिए उसके बाद एटीन नंबर क्वेश्चन को हम जिसमें आपको बताना है डायग्राम के हिसाब से रूट हेयर का तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर है रूट हेयर सेल ठीक है उसका डायग्राम ये और इस डायग्राम को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब जो जरूर करेंगे क्योंकि केवल डायग्राम से काम नहीं चलेगा उसमें बोला है कि डिस्क्राइब भी करना है तो ये रहा उसका डिस्क्रिप्शन ठीक है तो इस डायग्राम को बनाना है और उसके बाद में इसको डिस्क्राइब कर देना है अब हम बढ़ते हैं अपने नाइनटीन नंबर क्वेश्चन की तरफ तो इस फ्लो चार्ट को हम इसको सॉल्व करने वाले हैं जो है ब्लड सर्कुलेशन पाथवे आपको दिखाना है सिंपल सी बात है ये ब्लड सर्कुलेशन पाथवे शो कर रहा है आप देख रहे हैं इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा हुआ है बॉडी ऑर्गन से राइट आरटीएम है तो यहाँ पर जो है आपका हार्ट दे दिया है तो समझ लीजिए यहाँ पे डबल सर्कुलेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर जो पहला अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर आप बता सकते हैं तो मैं आंसर लिखना चाहूँ अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर आ जाएगा राइट वेंट्रिकल आर आई जी राइट आपका वेंटिकल है ना तो ये हमारा इसके अंदर आता राइट वे, वेंट्रिकल और यहां पर क्या आएगा आपका तो यहां पे देखिए आपका एक और चीज अगर आप बताना चाहें तो इसमें बता सकते हैं राइट वेंट्रिकल के नीचे हमारा प्लोनरी आर्टरीज आते हैं उसके बाद में लंग्स आते हैं ठीक है ना इस तरह से भी हो जाएगा आपका और यहाँ पे पुलरी सर्कुलेशन हो गया आपका और यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आरटीएम हो जाएगा ठीक है ना लंग्स तो है ही आपका और यहाँ पे लेफ्ट अच्छा इधर लेफ्ट है इधर अच्छा ठीक है ठीक है ये भी हो गया यहाँ पे बीच में आपका आ जाएगा तो इसको मैं क्या करता हूँ बना के ड्रॉ करके दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें ना जगह नहीं है जितना हमको इसको समझाना है इसको समझने के लिए हम इस तरह से एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं वो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए इस चार्ट के हिसाब से जो है आपको उसको भरना है अब इसको चार्ट को अच्छे तरीके से याद करिए अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्लियरिफाई हो जाएगा उसमें थोड़ा सा इफॉर्मेशन जो है काउंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है तो ये चार्ट आप एक बार देखें आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आ जाएगा उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उसको मूव करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका इसके बाद में आता है ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फोर तक के आंसर्स हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन है आपको डिफरेंसेस बताने हैं दूसरा जो क्वेश्चन इसमें एप्लीकेशन बताना है फिंगर प्रिंटिंग का और जो है आपको राइट right नोट लिखना है इन सितू और एक्स सेतु पे और उसके अलावा जो है आपका एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स और उसके बाद में एक्सप्लेन करना है पॉजिटिव एजेंट ठीक है तो इन पांचों क्वेश्चंस को यानी कि पे पे आप स्क्रीन पांचों क्वेश्चंस जो देख रहे हैं इन सभी को अब हम जो है आंसर्स वाइज देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर एंड सभी तो के आंसर्स देखेंगे कंटिन्यूसली तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आप देख लीजिए और ध्यान रखिएगा मैं भी यहाँ पे भी बता दूंगा कि बीस नंबर में क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आपको डिफरेंसेज बताने हैं तो दोनों टेबुलर फॉर्म में बता देंगे इधर डिफरेंस एक का एक एक तरफ इसका डिफरेंस लिख देंगे एक तरफ इसका डिफरेंस लिख देंगे पहले डेफिनेशन वाइज हम अगर डिफरेंस बताना चाहें तो सबसे बेस्ट होगा डेफिनेशन हमें दोनों का पता होना चाहिए तो डेफिनेशन वाइज डिफरेंसिस यहाँ पर इसका डेफिनेशन और इधर दूसरे का डेफिनेशन लिखा गया है फिर इनके बाद अगर हम डिफरेंस बताना चाहें तो रेट ऑफ मेटाबोलिज्म कैसा रहेगा तो यहाँ पर डिक्रीज रहता है लो रहता है यहाँ पर हाई और इंक्रीज रहता है ठीक है ना यहाँ पे टी एस एच लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी आप बता सकते हो नॉर्मल और लोअर देन द नॉर्मल लेवल रहता है और यहाँ पे हायर रहता है नॉर्मल लेवल से ठीक है ये चीज़ें समझ में आ गई ये तो कुछ डिफरेंसेस हैं और थोड़े से डिफरेंसेस की बात करें तो इनमें टाइप्स भी बता सकते हैं टाइप्स के हिसाब से डिफ्रेंसेज बता सकते हैं अगेन जो कॉमन कॉजेज हैं उसके हिसाब से जो है हम बता सकते हैं ठीक है यहाँ पर जो है आप इसको बता सकते हैं डायग्नोसिस करना चाहें तो उसको भी हम बता सकते हैं साइंस और सिम्टम्स के हिसाब से भी अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो उस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के हिसाब से डिफरेंशिएट करना चाहें तो उस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो है आपने आंसर देखा इसके बाद ट्वेंटी वन नंबर जो है आंसर उसको देखेंगे जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग का बताना है हमें ठीक है ना तो उसको देख लेते हैं ट्वेंटी वन नंबर में एप्लीकेशंस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंट के क्या होंगे तो ये रही इसके एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन है वो इतनी ही आप चाहें तो इसको कितना भी लिख सकते हो बढ़ा चढ़ा के बाकी आप पॉइंट टू पॉइंट इतना लिख दोगे क्योंकि एप्लीकेशन पूछे गए सिंपली एप्लीकेशन बस कुछ पूछा ही नहीं है बोला है गिव एप्लीकेशन ऑफ डी एन ए फिंगर तो एप्लीकेशंस में तो आप इतना ही लिख दोगे डिफरेंशिएट जो मैंने आपको बताया था उसमें से आप जितने की आवश्यकता है उतना ही लिखना है मैंने तो मैनी डिफ्रेंसिएशन बताए थे आपको बहुत सारे डिफ्रेंसीज बताए थे लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताए हैं उन सारों को छापू उसमें तो बहुत समय लग जाएगा और उतने मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको केवल रिक्वायर्ड है अगर चार नंबर पाँच नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से करेंगे दो नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से करना है ठीक है तो आपको अपने हिसाब से जो है लगता है जितना उतना लिखिएगा ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है जिसमें हमारे को ट्वेंटी टू नंबर पूछा गया है इन सी टू और एक्स सी टू आपका जो कंजर्वेशन होता है उसके अंदर क्या डिफरेंसेस है वो हम बताएंगे तो यहाँ पर इसके आंसर को नोट करिए ट्वेंटी टू नंबर में आपका आ, नोट लिखना है देखिए नोट में कितना लिखोगे आप जितना हमारे बुक में है उसको समझ के लिख दें उतना ही बहुत होता है जो जरूरी नहीं है ये आंसर सुफिशियंट होते हैं जो आप सोच रहे हैं कि मैंने डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखा दिया तो डिफरेंस ज़्यादा दिखा दिया इसका मतलब ये नहीं कि उन डिफरेंस को ज़्यादा लिखना है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ लिखना उतना ही है जितनी उसकी ज़रूरत है ठीक है बाकी आपको नॉलेज होना चाहिए आपको कौन सा ईजी लगता है उसमें स्टेप वो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स में डिफरेंशिएट करना ईजी लगता है तो सिम्टम्स में डिफरेंशिएट एक एक पॉइंट कर दीजिए अगर आपको कॉजेज में है डिजीज

तो नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज जो है आप लिख सकते हैं और यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी दी हैं जिसमें आपको बताया है कि इसमें एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी ठीक है उसके अलावा कंडक्टिविटी क्या होगी तो आपके ऊपर डिपेंड है कि तीन लिखने हैं या चार लिखने हैं रीजंस या फिर डिफरेंसेस या फिर आपका प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि ये क्वेश्चन के एक्चुअली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है कि लेंदी क्वेश्चन है या आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो जितने नंबर के क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से जो आपको इसका आंसर्स को देने होंगे सिंपल सी बात बस आपको इतनी समझनी है क्लियर हुआ तो यहाँ पर जो है इसके जब आंसर्स देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का कितने मार्क्स कैरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आप इसको आंसर को लिखेंगे बाकी प्रॉपर्टीज आपके सामने मैंने दे दी इसकी तो ये प्रॉपर्टीज है और भी बाकी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर आपको जो ईजी लगता है ना उन प्रॉपर्टीज़ को याद रखिए एग्जाम की दृष्टि से बाकी नॉलेज आपको सारा होना चाहिए तो ये जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ है जो इसके अंदर होती हैं बस इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें आपका ट्वेंटी फोर्थ नंबर जो पूछा गया है गिव द कॉज पॉजिटिव एजेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ थायराइड ये आपका सिम्टम्स है ट्रांसमिशन है है ना एजेंट है ये सारे के सारे चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाला है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन हम जो है इसमें सिम्टम्स में भी दो तीन लिख देंगे ठीक है उसके अलावा जो है कॉज है उसको भी लिख देंगे और ट्रीटमेंट है उसको भी लिख देंगे सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट में हम एग्ज़ाम में लिखेंगे यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सोलूशन दूंगा थायरॉयड के आंसर को ट्वेंटी फोर नंबर आंसर को यहाँ से नोट कर सकते हैं आप ये पूरा का पूरा आंसर है थायरॉयड के बारे में ठीक है एस टी वन और एस टी तो जानते ही हैं आप कॉजिंग होती है इसमें निमिली और जो है कॉज ऑफ थायरॉड है उसको भी हम बताएंगे तो कॉज ऑफ थायरोड जो है आपका बता सकते हैं इस तरह से इसके बाद जो है सिम्टम्स ऑफ थायरॉइड क्या है उनको हम टेबुलर फॉर्म में या फिर मतलब पॉइंट वाइज लिख सकते हैं ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका ट्वेंटी फोर्थ तक हो चुका है अब ट्वेंटी फिफ्थ को हम जो है मैच करने वाले हैं और उससे मैचिंग को देखेंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी फोर्थ के बाद में मैचिंग ऑप्शन को ठीक है चलिए यहाँ पे जो ट्वेंटी फोर्थ नंबर फिफ्थ नंबर है ट्वेंटी फोर्थ तक के हमने यहाँ ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फोर्थ तक के सारे आंसर्स देख लिए अब ट्वेंटी फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है इसमें प्रोडक्ट्स हैं और माइक्रोबायल सोर्सेज हैं इसको हमें मैच कर देना है फर्स्ट जो ए पार्ट है विटामिन बी टू इसको मैच करेंगे किससे आपके सामने ऑप्शन से किससे मैच हो जाएगा विटामिन बी टू जो है आपका हो जाएगा मैच फोर्थ नंबर ऑप्शन से और जो पार्ट बी है इसमें फ्यूमेरिक एसिड ये मैच हो जाएगा आपका इसमें से किसमें से मैच होगा तो बी पार्ट आपका राइजोपस ठीक है तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर दीजिए और जो है बी के बाद में सी पार्ट भी विटामिन बी, बी ट्वेल्व तो ये आपका मैच हो जाएगा ट्वेल्व फिफ्थ नंबर से है ना इसके बाद में लिपिज जो है या लाइपेज बोलते हैं इसको तो ये हमारा मैच हो जाएगा सेकेंड वाले से और उसके बाद में सेलुलेज जो है आपका ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई है ना तो ई अब हमारे पास दो ही पार्ट बचे एक सिट्रिक एसिड है तो सिट्रिक एसिड जो है आपका नाइगढ़ हाँ ठीक है सिट्रिक एसिड तो ये हो गया और इसके बाद बचा क्या फिर थर्ड वाला बचा तो थर्ड वाले से हमारा ई वाला मैच हो जाएगा ये रहा थर्ड वाला और ये वाला मैंने बताया था बी पार्ट को जो है फर्स्ट से मैच करना था तो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ये ठीक है ये सॉल्यूशन हो गया इसके बाद आइए ट्वेंटी सिक्स नंबर पे ट्वेंटी एक्सप्लेन एनी थ्री एग्जांपल्स ऑफ बायो पायरेसी तो भैया बायो पायरेसी के थ्री एग्जांपल्स आपको बताने हैं मैं आपको तीन चार एग्जांपल्स दे देता हूँ उनमें से जो आपको अच्छा लगे उनको याद कर लीजिएगा तो बायो पायरेसी के आंसर को नोट करिए ट्वेंटी सिक्स नंबर का आंसर आपका ट्वेंटी सिक्स नंबर का आंसर तो यहाँ पर ये यह देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है हमने इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे दिए हैं ठीक है ये रहा एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं और इसको जो है यहाँ पर आप और भी नोट कर सकते हैं, क्लियर तो ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की ठीक है अब सेक्शन डी में मूव करेंगे यहाँ तक आपका ये पार्ट खत्म होता है सेक्शन डी में आपको थ्री अटेम्प्ट करने होंगे ट्वेल्व मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो भी क्वेश्चन है उसमें से थ्री उस अटेम्प्ट करने होंगे तो चलिए उसमें देख लेते हैं आपका जो भी आंसर रहने वाला है तो ये ट्वेल्व मार्क्स का रहेगा एनी थ्री अटेंड करना है यहाँ पे ट्वेंटी सेवन नंबर है ट्वेंटी एट नंबर है ट्वेंटी नाइन है थर्टी है एंड थर्टी वन है कोई भी है मैं तीन आपको अपने हिसाब से जो भी है सोल्यूशंस हम देख लेते हैं कौन कौन से दे सकते हैं हम सत्ताईस नंबर को डिस्कस कर लेते हैं है ना सत्ताईस नंबर में आपसे पूछा गया है कि विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच और नीट लेवल डायग्राम आपको आर्टरी और वेन में जो है डिफ्रेंसेज बताने हैं यानी कि डायग्राम के साथ बताना है चलिए ठीक है और इसके अलावा जो है आपका बहुत सारे डिफरेंसेस है डिफ्रेंसेस तो इतने हैं ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो मैं कम से कम पंद्रह बीस डिफरेंसेस आपको बता सकता हूं लेकिन आप जितने चाहें उसमें से याद करें उसके अलावा जो है ट्वेंटी एट्थ नंबर में स्टेट नेम्स ऑफ हारमोन ग्लैंड से अच्छा इस यहाँ से जो भी हमारे को हारमोन आएंगे वो हमें लिख देना है ठीक है ये भी लिख देंगे ट्वेंटी नाइन नंबर डिस्क्राइब आउट ब्रीडिंग डिवाइस विद द एनकरेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन चलिए इसको भी कर लेते हैं ठीक ट्वेंटी नाइन नंबर तक हम कर लेते हैं थर्टी नंबर और थर्टी वन को भी देख लेते हैं यानी कि हम एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं क्योंकि कौन सा प्रश्न क्या पता कब रिपीट हो जाए तो ट्वेंटी सेवन से लेकर के आप पहले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिए ट्वेंटी एट नंबर देखिए ठीक है ये दोनों नोट कर लिए आपने ये स्क्रीन ले सकते हैं और ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी वन तक आपका ये क्वेश्चन तो इसको हम जो है कंप्लीट अब इसके आंसर से ही डिस्कस करेंगे डायरेक्ट हम आंसर पे मूव कर रहे हैं और वहाँ पे सारे आंसर्स को डिस्कस करते हुए वीडियो को जो है एंड करेंगे और ध्यान रखिएगा प्ले लिस्ट जैसे वीडियो खत्म होगी प्ले आपके सामने होगी उस प्ले को टच करेंगे तो उसमें आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिलेगा आंसर के साथ मिलेगा और फिर भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं आप उन क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ को साफ साफ जिस तरह से इस बच्चे ने भी भेजा है देखिए आप कितने अच्छे तरह से साफ साफ भेजा है एक एक पेज आपका पेज जो है पर पेज होना चाहिए फर्स्ट पेज से लास्ट पेज होना चाहिए तभी जाके आपके उसके सोल्यूशन हम दे पाएंगे क्योंकि हमें जब पूरा पेपर सही तरीके से मिलता है तो ही हम सोल्यूशन को आपके लिए प्रोवाइड करा पाते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्टी वन तक के आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन में आपसे आर्टरी और वेन में जो है अंतर पूछा गया है ठीक है तो हमें डिफरेंस को विद डायग्राम पूछा गया तो डायग्राम का डिफरेंस आप देख सकते हैं डायग्राम हमने बना दिया है और इसको टेबुलर फॉर्म में जो है यहाँ पर हम डिफरेंसेस बता सकते हैं आर्टरीज एक तरफ लिखेंगे वेन एक तरफ लिख देंगे और जो भी इन वेन डिफरेंसेस है आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंसेस मैंने बहुत बताए हैं आपको ज़्यादा नहीं तो तीन डिफरेंस या चार डिफरेंस ही लिखने हैं आपको क्या याद हो सकता है कौन सा डिफरेंस आप याद कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे डिफरेंसिस टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल हैं इन डिफरेंसेज में से जो आपको सही लगता है उसको याद करें ईजी लगता है उसको याद करें इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका ट्वेंटी नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्टेट करने हैं हॉर्मोन्स के नेम एंड ग्लैंड सेक्रेटिंग फ्रॉम देम ठीक है तो हमको बताना है ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट और डी पार्ट चारों पार्ट के आंसर्स को हम यहाँ पे देने वाले हैं चलिए उसको डिस्कस करते हैं तो अट्ठाइस नंबर जो क्वेश्चन है उसको नोट करिए यहाँ पे देखिए अट्ठाइस नंबर क्वेश्चन में पहला ए पार्ट में अगर आपने स्क्रीन शॉट ले लिया तो आपको पता होगा क्वेश्चन पूछा गया ग्रोथ ऑफ थारॉयड ग्लैंड तो प्यूटरी ग्लैंड और टी एच एस हारमोन जो है मिल जाएगा आपको ठीक है बी पार्ट में पूछा गया कंट्रोल्स ट्यूबुलर एब्जॉर्ब ऑफ वाटर इन किडनी तो आपका बी पार्ट का आंसर जो है यहाँ फर्स्ट पार्ट का तो आंसर मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ए पार्ट का आंसर ये हो जाएगा बी पार्ट का आंसर आप यहाँ पर इससे नोट कर लेंगे ठीक है और सी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है देखिए स्टूमुलेट्स लीवर एंड मसल्स फॉर ग्लाइकोजेनेसिस तो यहाँ पर जो है उनके ग्लांड और जो है आपको हार्मोन का नाम बताना है और इसके बाद जो है आपका डी पार्ट में पूछा गया डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम और मैचुरेशन ऑफ टी टीलिम्फोफाइट तो यहाँ पर जो है आपका ये डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो तो इस तरह से बस केवल आपको आंसर लिखने थे 28 नंबर तो हमने डिस्कस कर लिया 29 नंबर पूछा गया है डिस्क्राइब आउट ब्रीडिंग डिवाइसिस विच इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन तो एनकरेज करना है क्रॉस पोलिनेशन को तो हमें वो डिवाइसिस बताने हैं तो ट्वेंटी नाइन नंबर का आंसर भी नोट कर लीजिए डिस्क्राइब करना है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज विद एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है तो क्रॉस पॉलीनेशन के जो जो डिवाइसेज जो एनकरेज करते हैं उसको उसको हमें बताना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपका ट्वेंटी नाइन नंबर का ये कंप्लीट जो है आंसर फैक्टर्स विच एनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन आपके सामने है देख सकते हैं ये फैक्टर लिखा हुआ है और फैक्टर कौन कौन से हैं वही हमें बताना है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है ठीक है तो यहाँ पे नॉन सेक्रोनाइजेशन ये भी आ जाएगा सेल्फ इनकम्पलेबिलिटी जो है ये भी आ जाएगा तो ये इस तरह से ये आंसर हो जाएंगे अब इसके बाद में जो आपका थर्टी नंबर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन था आपका एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंपेयर हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनंस तो आपको डिफरेंस आपको बताना है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या है ठीक है उसको कंपेयर करना है कि भाई ये कैसे अलग है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से और को डोमिनंस से ठीक है थीके? तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करते हैं अर्टीन नंबर क्वेश्चन का हमारा जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या होता है ये हमें बताना है ठीक है और एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है हम बता सकते हैं साथ ही साथ जो है ये जो है कंप्लीट डोमिनेंस में कैसा होता है ठीक है ये बताना है और को डोमिनस में कैसा होता है यही आपको बताना था कि ये कैसे डिफर डिफर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से ठीक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कैसे डिफर है और ये को से कैसे डिफर है बस इतना ही बताना है बड़े क्वेश्चन तो है नहीं ये तीन तीन मार्क्स के क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर थर्टी नंबर का कंप्लीट तो तो होता है और जो लास्ट आपका थर्टी वन नंबर जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम देखने वाले हैं डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन वेरियस फेजेस ऑफ मैं साइकिल ठीक है अब ये एक चीज़ और बताऊँ प्ले जो है उसको ज़रूर देख लेना प्ले आपके सामने आ रही है जैसे ही आप इस आंसर को हम खत्म करेंगे आपकी प्ले आपके सामने होगी उसको टच करें और उसमें सारे सोल्यूशंस आप देख सकते हैं और जैसा है मैं बता चुका हूं कि पेपर आप भेजना चाहें तो अपने पीडीएफ को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है और हर वीडियो में जो भी आपने सॉल्यूशंस देखा है मैक्सिमम व्हाट्सएप नंबर जो है दिए गए हैं उस पर फ़ोन नहीं करें केवल पीडीएफ आप भेज सकते हैं क्वेश्चन को एक बार समझ लो दोबारा से बोल रहा हूँ डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन वेरियस फेजेस ऑफ मैंसुरल साइकिल यहाँ पे मैंने आपको बताया वेरियस फेजेस तो वेरियस फेजेस कौन कौन सी हो सकती है मैंसुरल साइकिल में वो फेजेस मैंने यहाँ पे बताया तो क्वेश्चन आपका वेरियस फेजेस डिस्कस करिए ये भी आ सकता है तो फेजेस आपको पता होना चाहिए तो ये तो फेजेस आपका हो जाएगा ठीक है फेजेस आपसे पूछा नहीं गया ध्यान रखना आपसे पूछा है वेरियस फेजेस ऑफ कंट्रोल जो है ना आपका हार्मोनल कंट्रोल उसको पूछा गया तो यहाँ पर हम नीचे देखने वाले हैं ये तो आपका फेसेस मैंने बताया है जिन बच्चों को फेसेस याद करना है यहाँ से याद कर लें और जो मैंसुरल साइकिल के जो आपका कंट्रोल करना है वो छोटा सा ये आंसर है जो आपको आंसर देना है एक्चुअल आंसर यहाँ पर है ये हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ मैंसुरल साइकिल ठीक है तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और इसका आंसर इतना सही है ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ये फेजेज आपको पता होना चाहिए प्ले आप जरूर देख लेना और पेपर आप जो भेजना चाहते हैं सॉल्यूशन के लिए तो भेज सकते हैं इसी तरह से आपके सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे पेपर भेजने के बाद में थोड़ा सा धैर्य रखें थैंक यू वेरी मच हे गुड डे